डिंडोरी में विशेष पिछड़ी जनजाति बालिका छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए लिखित शिकायत जिला कलेक्टर से की है। छात्राओं ने लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि अधीक्षिका के यहाँ पर तरफ से मेन्यू के आधार पर नाश्ता और साथ ही खाना नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते छात्राओं को यहाँ पर भूखा रहना पड़ता है। वहीं छात्राओं ने जब मेन्यू के आधार पर अधीक्षिका से खाने की मांग की तो अधीक्षिका का यहाँ पर कहना था कि हर महीने राशि ऐसी और साथ ही बीईओ को यहाँ पर देनी पड़ती है, तो तुम लोगों को कहाँ से खिलाऊं। और वहीं छात्राओं की यहाँ पर शिकायत पर जब मामले में जिला के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला से यहाँ पर बातचीत की गई तो उनका कहना था जांच टीम गठित कर दी गई है, और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उनका के गुण दोष के यहाँ पर आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति बालिका छात्रावास से आए हैं, हमें सुविधा की कमी है, हमारे यहाँ जल निर्मा साबुन कुछ नहीं मिलता है, और रहने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं, और हमारी हमारी ये संस्था की बालिका छात्रावास है लेकिन उसमें सब कुछ सुविधा उपलब्ध है, तो हम हमारे सर मेरा नाम प्रियांशी का व्यवहार है सर, और मैं मछिया की रहने वाली हूँ। हमारी मैम है सर जो की श्रीमती संध्या हुई की अध्यक्षिका है हम लोग की, वो जब से हॉस्टल खुला है तब से हमको नाश्ता देती है, और अगर कुछ बोलेंगे तो हम हमारे घर की देती है सब लोग चले, और सबको धमकी देती है कि हमारा लोगों का कोई नहीं सुनता, और फिर गाँव के गवार हो तुम लोग ऐसे करके तुम लोग बेशरम हुई है, वो सब कुछ कहती है सर। और जब हम कुछ बोलेंगे और किसी का तबियत खराब होगा तो कि मैं तो हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, तुमको तुम मर भी जाओगे तो भी मैं नहीं जाऊंगी कहती है। संडे है, मैं ग्राम पिंडुखी की हूँ, हमारी हॉस्टल अधीक्षिका मैम का नाम श्रीमती संध्या उइके है। क्या परेशानी है? हमारी मैम कहती है मैं एसी सर दियो सर सबको दे दे देती हूँ, पैसे तो तुम लोग को कहाँ से खिलाऊं, और ना तो हॉस्टल में कुछ नहीं डालती है सर, वो बहुत परेशान करती है, और हर कुछ कुछ भी बोलने से मतलब बोलती है कि मेरे मेरे हस्बैंड ने दी है दूर दूर तक उनकी पहुँच है, तो मतलब कुछ भी होगा तो हमको पता चल जाता है। सर विशेष पिछड़ी जनजाति बालिका छात्रावास की छात्राओं ने शिकायत की है कि उनको व्यवस्था नहीं दी जा रही, न लंच न भोजन मेनू के हिसाब से दिया जा रहा है, कुछ आरोप भी लगाए हैं। इनकी जांच कमेटी बना दी है, गुण दोष के आधार पर उन पर कड़ी कार्रवाई करूँगा और व्यवस्था सुनिश्चित हो इसके लिए बोला गया है।